हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो हम स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर का सबसे पहले हम क्या जानेंगे, बेसिक्स जानेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको हम जानेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है, जैसे कि हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 की पावर 3, तो 5 क्या है इसमें बेस है और 3 क्या है इसकी एक्सपोनेंट या पावर। ये क्या है हमारा, ये एक्सपोनेंट है या हम इसको पावर भी बोल सकते हैं। तो एक सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर हमारा ये क्या है बेस, अभी मैंने आपको बताया b और m क्या है पावर, तो जब हमारे बेस सेम हो तो हमारी जो पावर्स है वो हमारी मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, एड हो जाती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n। अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इस फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड है हमारा इसी प्रकार a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, और जब हमारे बेस सेम हो और हमें डिवाइड दिया हो तो हमारे इसमें क्या होती है, जो पावर्स है वो माइनस हो जाती है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, a की पावर m माइनस n, जहां m हमारा बड़ा है n से, क्या है हमारा n, m ग्रेटर देन n से, n से हमारा n क्या है बड़ा है। इसी प्रकार इसका हमारा थर्ड पॉइंट है, जैसे a की पावर m और इसकी भी पावर n, इस प्रकार हमें क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या लिखेंगे इसको, इन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम इनको क्या लिखेंगे a की पावर m इंटू n, इस प्रकार, या m n भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार फोर्थ है हमारा a की पावर m अपॉन b की पावर m, अगर हमारे बेस अलग हो और पावर सेम हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर m, क्योंकि हमारी पावर्स क्या है दोनों की सेम है इसलिए। और ऐसे ही हमारा a की पावर n इस प्रकार हमें दिया हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर माइनस n, ठीक है। यही ये हमारे सारे फॉर्मूलाज हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर माइनस n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर n। ये हमारे सारे फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान रखने हैं, और इसकी एक हमें फॉर्मूलाज की एक नोटबुक बना लेनी है ताकि हमारे टाइम टू टाइम फॉर्मूलाज रिविजन होते जाए और हम इन फॉर्मूलाज के ऊपर, इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सके। जब हम इनको देख देख के बार बार देखेंगे तो ये हमारे फॉर्मूलाज हमें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। इसलिए हमें फॉर्मूला की एक कॉपी बना लेनी है अपने, जो भी हमारे जिस भी चैप्टर के, सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या, उसके फॉर्मूलाज, उसका बेसिक देखना है ताकि हम जब एक्सरसाइज करें तो हमारे लिए एक्सरसाइज इजी हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 10.1, क्या है हमारी एक्सरसाइज 10.1, तो एक्स 2 की पावर माइनस 3, मैंने अभी बताया था इसका फॉर्मूला क्या है, a की पावर माइनस n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर n, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन a की पावर n, तो हम सेम पुट कर देंगे, 2 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 8, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 अपॉन 8। इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार इसका सेकेंड क्वेश्चन है, और एक और फॉर्मूला है, a की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1, तो मतलब हमारा कोई भी डिजिट दी हुई है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 5 की पावर 0 प्लस 3 की पावर माइनस, ये क्वेश्चन देखिए, 5 तो क्या हुआ हमारा 1 प्लस, इसको 1 अपॉन 3 की पावर 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 3, 1 प्लस 1 अपॉन 9, हम इनका आंसर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बनाएंगे और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 अपॉन 9, तो 10 अपॉन 9, हमारा आंसर क्या आया, 10 अपॉन 9। तो आंसर क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 अपॉन 3 की पावर 2, तो हमारा 3 किस में है, इनवर्स में, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा इसका, 9। समझा देती हूं, a की पावर माइनस n इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन a की पावर n, तो हम इसको सेम करेंगे, 1 अपॉन 3 की पावर माइनस है तो 3 की पावर 2, तो ये हमारा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 की पावर 2 और 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 का मतलब 3 की 2 बार मल्टीप्लाई और 3 जा 9, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, 1 अपॉन 2 माइनस के 4, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 1 अपॉन 2 माइनस के 4, पावर क्या है हमारी माइनस के 4 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर माइनस n और इसकी भी माइनस पावर n, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका है, ये a अपॉन b की पावर m
और पावर m, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अपन v की पावर m। तो हमारे इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमने ऐसे लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, वन अपॉन इस प्रकार वन अपॉन वन की पावर फोर, क्योंकि इनवर्स है तो इनवर्स, जब हम इसको इनवर्स में करेंगे तो अपॉन में पहुंच जाएगी, जिसकी पावर माइनस वन होती है तो वो अपॉन में पहुंच के प्लस हो जाती है। इसी प्रकार हमने दोनों सेम किया, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे वन की पावर वन है तो टू की पावर फोर अपॉन वन की पावर फोर, रिवर्स मतलब इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो टू की पावर फोर। तो आंसर क्या आ जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, तो एट टू जा सिक्सटीन, आंसर क्या आया हमारा, इसका सिक्सटीन आया। या हम जब हमें ऐसे दिया हुआ हो, हमें पता है जो हमारा जिसकी पावर माइनस है, माइनस में है किसी की पावर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स में पहुंच जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, तो उस क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा। वन अपॉन टू की पावर माइनस फोर है तो ये हमारा किस में पहुंच जाएगा, टू टू की पावर फोर, ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप इनको साथ के साथ नोट डाउन करते चले, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको तब भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, और कमेंट में अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आगे जो क्लास लूं, आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको उसमें शामिल कर सकूं। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, माइनस के थ्री की पावर फाइव मल्टीप्लाई माइनस थ्री की पावर टेन, इस प्रकार हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट। तो हम इसे कैसे करेंगे, सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि a इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये हमारा क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो हमारे इसी फॉर्म में बेस क्या है, हमारे दोनों के सेम है। ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से हो सकता है, तो मैं आपको इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। माइनस थ्री दोनों के बेस सेम है, प्लस के फाइव और प्लस माइनस के टेन, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के थ्री की पावर माइनस फाइव, टेन में से फाइव के फाइव, और जो हमारा साइन है माइनस का है, अब ये हमारा किसमें आया, इनवर्स में, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन माइनस के थ्री की पावर फाइव, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन माइनस के थ्री इंटू माइनस के थ्री इंटू माइनस के थ्री इंटू माइनस के थ्री, फाइव बार, थ्री थ्री जा थ्री, थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन थ्री जा एट्टी वन, एट्टी वन थ्री जा टू फोर्टी थ्री, माइनस की वन अपॉन माइनस की टू फोर्टी थ्री, आंसर आया वन अपॉन माइनस की टू फोर्टी थ्री। इस प्रकार हम क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारी आइडेंटिटीज दी हुई है, आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट क्या है, टू की पावर सिक्स है डिवाइड बाय टू की पावर माइनस फाइव, तो मैंने आपको बताया ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, ए की पावर एम माइनस एन, क्योंकि डिवाइड में हमारी जो पावर्स है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो हम सेम करेंगे, टू की पावर सिक्स और माइनस, माइनस ऑलरेडी फाइव है, तो टू की पावर सिक्स माइनस माइनस प्लस फाइव, तो टू की पावर हमारी क्या हो जाएगी, इलेवन हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो हमारे टू की पावर इलेवन आए हैं, आप इसको सॉल्व करके इसकी मल्टीप्लाई करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइम को देखते हुए और भी क्वेश्चंस करानी है। हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड, हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन, तो सेम करेंगे, टू की पावर फाइव माइनस एट, और इनकी भी पावर क्या है, फाइव है, मल्टीप्लाई टू की पावर माइनस फाइव, टू की पावर कितना बचा, माइनस के थ्री फाइव इंटू टू की पावर माइनस फाइव, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, टू की पावर माइनस के फिफ्टीन मल्टीप्लाई टू की पावर माइनस के फाइव। तो हमें पता है बेस क्या है हमारा, इसका सेम है, टू की पावर इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा फिफ्टीन, और प्लस प्लस माइनस के फाइव, और इसको हम क्या लिख देंगे फिर, टू की पावर प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन माइनस के फाइव, और टू की पावर माइनस के ट्वेंटी, और इसको हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू की पावर ट्वेंटी, ये आएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, वन की वन अपॉन टू की पावर ट्वेंटी। इस प्रकार हमें सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, क्या करना है, सॉल्व करने हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं, ये नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, ये हमें एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, पावर ऑफ टू की फॉर्म में। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक हमारी आइडेंटिटी है ए की पावर एम की पावर एन, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, ए की पावर एम इंटू एन, तो इसी प्रकार हम टू को कैसे लिखेंगे, टू की पावर टू, टू टू जो फोर की पावर माइनस थ्री, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टू की पावर फोर थ्री जा टू, टू थ्री जा सिक्स माइनस के सिक्स,
इसकी फॉर्म में आ गया, टू की फॉर्म में आ गया, और इसकी एक और लाइन भी हम लिख सकते हैं, टू की पावर टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री, तब ये हमारा आ जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको बेसिक्स पता होगा। हमारा क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंटियल फॉर्म, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें ये आंसर लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, पहले a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m माइनस n, इस फॉर्म में रखना है पहला। तो 2 की पावर 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5, तो ये क्या बचा, 2 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसकी सेम है, तो 4 प्लस माइनस प्लस के 5 और माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस माइनस के 4 और माइनस 5 इक्वल टू 2 की पावर माइनस n। तो आंसर क्या आया हमारा, 2 की पावर माइनस n। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए चलने हैं। तो इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है, इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है 1/8 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/8 3 की पावर माइनस 3, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1/8 ये हमारा इनवर्स की पावर माइनस है, तो 3 की पावर 3 1/1 में आ जाएगा, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और इसको हम 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16 16 और 5 21, तो इसका आंसर क्या हुआ, 1/216। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पॉइंट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, a मल्टीप्लाई बी पावर m इंटू पावर n, तो हमारे बेस तो अलग अलग है, ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका टू a मल्टीप्लाई बी की पावर m, तो सेम आइडेंटिटी हमें आ रही है इस पे है, माइनस के 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 की पावर 4, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, इस प्रकार हमारा ये कट गया 5 से, तो इसमें क्या बचा ओनली माइनस के 3 की पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 3 मल्टीप्लाई, वैसे तो एक्सपोनेंट हमें किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है, तो इसका ये आंसर है माइनस के 3 की पावर माइनस 3 की पावर 4 ऑफ, हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसका, 2 की पावर 0, इस प्रकार हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, तो हमें ये सॉल्व करना है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब हमारी इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a की पावर माइनस n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर 1/a की पावर n, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब a की पावर 0 हो तो क्या आता है 1, तो 2 की पावर 0 का 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इस प्रकार हमने क्वेश्चन किया। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 बनाने के लिए 3 से 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये क्या आया 4/3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल, 3 4 जा 12, तो आंसर क्या है हमारा 12। इस प्रकार हम क्वेश्चंस को करेंगे, हमें सबसे पहले इसकी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, तब हम इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट पर चलते हैं हम, 3/5 का माइनस 2 है, तो हमें पता है कि जब किसी की भी पावर माइनस 2 होती है तो वो क्या होता है, हो जाते हैं रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 5/3 की पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 25/9, या हम इसको 5/3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, हम इसको क्या करेंगे, एक हम इनको सेम बना लेंगे, तो हम क्या करेंगे 5/8 की पावर माइनस 7 और मल्टीप्लाई, इसको हम सेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5/8 की पावर प्लस के 5, क्योंकि जब मैंने बताया किसी की भी जो पावर माइनस में होती है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके प्लस में बना लेते हैं, तो दोनों के सेम है बेस, अब हमारे क्या हो गए, सेम हो गए 5/8 माइनस के 7 और प्लस के 5, तो हमारा आंसर क्या आया 5/8, 7 में से 5 भी माइनस के 2, तो ये उल्टा हो जाएगा, अब हमारा इनवर्स हो जाएगा, तो 8/5 की पावर 2, और आंसर क्या आ जाएगा, 8 की पावर 2 का मतलब है 8 × 8 और 5 5 × 5, आंसर क्या है हमारा 64/25, क्या आया हमारा आंसर 64/, प्रकार हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 और इसको 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर, ये माइनस की 4 है, ये क्या हो जाएगा माइनस की 3 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर माइनस 4, और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर
तो ये मल्टीप्लाई में सेम है, तो 3 की पावर -3 + 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 × 125। मैंने इसको खोल दिया, 5 × 5 × 5 5 × 25 25 5 × 125। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या है इसका, यहाँ 3 × 125 = 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6 और 1 × 7 = 3 × 1 = 3 तो 375। आंसर क्या है हमारा इसका 375। हमारा क्वेश्चन है 5 की पावर -1, 3 की पावर -1 और 8 की पावर -1। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/5 × 1/3 × 1/8 1/3 ये ब्रैकेट से बाहर है तो 1/8। तो इसका मतलब है इसकी दोनों में या इनकी कर लो, 1 × 1 = 5, 3 × 15 × 1/8 तो 1/ तो कितना आएगा 120। आंसर क्या है इसका 120। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 है एविलियट। तो सबसे पहले हमारे इनवर्स है तो 3 आ जाएगा इसका। मैंने आपको बताया कि इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा -k5 की पावर -1। तो इसका क्या आ जाएगा -k2 की पावर -1। इसका क्या आ जाएगा 1/-k2। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि 3 1/3 का पावर -1 है तो वो क्या निकलेगा हमारा 3। इसी प्रकार 1/-1 है तो माइनस लगाया, 1/5 है तो उसकी पावर भी -1 है तो ये भी 5 और टोटल की भी पावर -1 है। तो 3 × 5 में से 3 × 2 माइनस की, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है और -1 है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/-2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सबसे पहले 1/4 × 1/3 - 1 / 5 की पावर -1 तो 1/12 = 1/12 की पावर -1। इसी प्रकार 1/5 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 2 12 हो गया। और ये भी जब हम इसको डिवाइड के साइन को हटाएंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल 1/5 है तो 5 5/1 या 5। तो आंसर क्या हो गया हमारा 60। इस प्रकार क्या आया 60। सेकंड पार्ट है 3 की पावर -1 + 6 की पावर -1 / 3/4 की पावर -1। हम करेंगे 1/3 + 1/6 ये डिवाइड में है डिवाइड, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/3। इसी प्रकार 1/3 + 1/6 तो इसका एलसीएम क्या आएगा 6। तो इसे 6 बनाने के लिए 2 से 2 + 1 / 4/3 और ये कितना हो गया 3/6 / 4/3 = 3 × 3 = 6 तो क्या आया 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो चेंज हो जाएगा 3/4 तो 3/8। इसका आंसर क्या आया हमारा 3/8 3 × 3 और 4 × 8। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई है। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/3 की पावर -2 - 1/2 की पावर -3 / 1/4 का पावर - हमें क्वेश्चन करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 की पावर 2 इसी प्रकार 2 की पावर 3 / ये हो जाएगा 4 4 की पावर 2 तो 3 × 3 = 9 2 × 2 = 4 4 × 8 / 4 × 2 = 16 4 × 4 = 16 तो यहाँ बचा 1 / 16 तो क्या हो जाएगा इसका 1/16 तो आंसर क्या है इसका 1/16। इस प्रकार ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x + 1 को हम कैसे लिख सकते हैं a की पावर x * a क्योंकि a की पावर 1 तो मतलब तो 1 लिखो मत लिखो बात तो एक ही है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 3 × 3.27 की पावर x × 27 + तो भी हम कैसे लिख सकते 27 × 3 की पावर 3x निकाल लिख सकते हैं सेम ही 3.3 की पावर 3x - 1/3.2 की पावर 27 की पावर x × 27 की पावर 27। इस प्रकार लिख सकते हैं हम 1 है तो 1 को 1 जरूरी नहीं हम लिखे सेम। अब इनको हम कैसे कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 7 = 21 और 3 × 2 = 6 और 2 = 8 27 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3x + इसी प्रकार इसे 3 की पावर 27 × 3 की पावर x 3x - 9 × 3 की पावर 3x तो इनमें से हम क्या कॉमन लेने
थ्री की पावर थ्री एक्स कॉमन ले ले, थ्री की पावर थ्री की पावर थ्री एक्स हम कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा 81, 81 और इसमें से प्लस 27। इसी प्रकार नीचे से हम कॉमन ले ले, थ्री की पावर थ्री एक्स मल्टीप्लाई क्या बचेगा 27 माइनस के 9, माइनस के 9, तो 3x से 3x को हम कैंसिल और 8, 7 और 1 8 और 10, 8 और 2 10, इसी प्रकार 17 में से 9 गए, 27 में से 9 गए 18, तो 18 6 जा 108, तो आंसर क्या है इसका 6, आंसर क्या है इसका 6। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया, हमने क्या किया, हमने इस आइडेंटिटी को खोला, इस आइडेंटिटी में हम जैसे a की पावर x प्लस 1 है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, a की पावर x इंटू a, a की पावर का मतलब तो a a ही है ना, इस प्रकार हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, इस आइडेंटिटी में रखेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट है 125 की पावर माइनस 4 अपॉन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको हम 5 into 5 into 5 में कर सकते हैं, 125 के हम फैक्टर करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5 5 जा और 5 बन जा, तो 5 की पावर 3 माइनस के 4 अपॉन 3, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस के 4 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर माइनस 4, तो 1 अपॉन 5 की पावर 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 upon 5 into 5 into 5 into 5, तो 1 upon 625, आंसर क्या है हमारा 1 upon 625। इसी प्रकार हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 10 का, इसमें है हमारा 4 की पावर 1 upon 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 upon 6, तो हमारे क्या है सेम है, बेसिस क्या है हमारे इसके सेम है, तो 4 1 upon 3 प्लस 1 upon 6, तो 4 इसका एलसीएम लेंगे 2 से और इसको भी 2 से, तो 2 plus 1 upon 6, तो 4 की पावर 3 upon 6, तो 3 1 3 3 2 6, तो 4 की पावर 1 upon 2 है, और 2 को हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 upon 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका 2 की पावर 1, तो आंसर 2, आंसर क्या है हमारा इसका 2। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगी तो स्टूडेंट्स नहीं देख पाएंगे, इसलिए जो हमारे 12 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज में वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।